बॉलीवुड सेलेब्स के प्यार भरे किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं, जिसमें कभी किसी का ब्रेकअप होता है तो किसी का पैचअप। वहीं कुछ सितारे इस रिश्ते को नाम भी दे देते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जैसे कि कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कैटरीना, विक्की, आलिया, रणबीर। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी शादियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शादी से पहले कई बार प्यार हुआ, लेकिन इन सेलेब्स ने अपने प्यार में असफल होने के बाद अपने पेरेंट्स की मर्जी से अरेंज मैरिज की है। आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जिन्होंने अरेंज मैरिज पर भरोसा जताया और पहले से चल रहे अफेयर से अपना मुंह मोड़ लिया। माधुरी दीक्षित। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड की धक-धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित की, जिनकी शादी के फैसले ने सबको चौंका दिया था। माधुरी के लिए उनके मिस्टर परफेक्ट को ढूंढने का काम उनके भाई ने किया था। जब उनका ब्रेकअप संजय दत्त के साथ हुआ था तो वो बहुत दुखी थी। ऐसे में माधुरी अपने भाई अजीत दीक्षित से मिलने के लिए अमेरिका गई थी, जहां पर डिनर के लिए आए श्रीराम नेने से उनकी पहली मुलाकात हुई थी और फिर दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी कर ली। शाहिद कपूर। शाहिद कपूर को बॉलीवुड का चॉकलेटी बॉय कहा जाता है। शाहिद का नाम भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा है, जिनमें करीना कपूर उनकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड रही हैं। करीना के अलावा शाहिद प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन और अमृता राव जैसी अभिनेत्रियों के साथ अफेयर के चलते चर्चा में रही। हालांकि 7 जुलाई 2015 को अभिनेता ने घर वालों की मर्जी से मीरा राजपूत से अरेंज मैरिज कर ली। मीरा को शाहिद के पिता पंकज कपूर ने उनके लिए पसंद किया था। करिश्मा कपूर। इस लिस्ट में करिश्मा कपूर का नाम भी शामिल है। करिश्मा का नाम भी कई स्टार्स के साथ जुड़ चुका है, लेकिन अभिषेक बच्चन के साथ उनका लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप रहा। यहां तक कि दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की सगाई टूट गई। वहीं अभिषेक बच्चन से सगाई तोड़ने के बाद करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से अरेंज मैरिज की, लेकिन बाद में उनकी शादी टूट गई। अब करिश्मा सिंगल है। विवेक ओबेरॉय। विवेक अपनी फिल्मों से ज्यादा ऐश्वर्या राय संग रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहे। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। ऐश्वर्या ने अपने करियर के लिए विवेक को छोड़ दिया, तो वहीं ऐश्वर्या से रिश्ता टूटने के बाद विवेक ने 2012 में अपने पिता सुरेश ओबेरॉय के कहने पर कर्नाटक के मंत्री जीवराज अलवा की बेटी प्रियंका अलवा से अरेंज मैरिज कर ली। नील नितिन मुकेश। नील नितिन मुकेश का नाम साशा आगा के साथ जुड़ा था। इससे पहले भी अभिनेता के कई अफेयर रह चुके हैं। हालांकि एक्टर ने अरेंज मैरिज की है। उन्होंने 9 फरवरी 2017 को रुक्मणी से शादी कर सभी को चौंका दिया था।